इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे गोयनका डायमंड एंड ज्वेलर्स लिमिटेड कंपनी के बारे में। गोयनका डायमंड का जो काम धाम है, बेसिकली ज्वेलरी से रिलेटेड इस कंपनी का काम धाम है, ऑर्नामेंट्स कंपनी ये बनाती है। देखिए, ये जो ज्वेलरी बनाती है वो सबसे पहले ये समझना होगा कि सिर्फ गोल्ड से ही ज्वेलरी नहीं बनाती, ये डायमंड रिलेटेड भी ज्वेलरियाँ बनाती हैं। सामान्यतः कुछ जो कंपनियाँ होती हैं जो जिनका ज्वेलरी का काम होता है, बहुत से लोग सिर्फ सिल्वर और गोल्ड से ही अपना कारोबार करते हैं, लेकिन ये एक ऐसी कंपनी, चूँकि कंपनी बड़ी पैमाने पर कामकाज करती है, तो ये डायमंड से भी ऑर्नामेंट्स बनाती है और उसको सेल करती है। तो ये कंपनी का काम धाम और काम काफ़ी बढ़िया है। देखिए, सराफा जो व्यापार होता है इस चीज़ का, ये काफ़ी, मतलब कह सकते हैं कि लुक्रेटिव बिजनेस होता है इनका। फ्यूचर में भी काफ़ी ग्रो करते हैं इस तरह की कंपनियाँ और इस तरह का जो काम धाम करने वाले लोग होते हैं वो। तो काम के बेसिस पर जब आप चलते हैं तो गोयनका डायमंड का फ्यूचर काफ़ी ब्राइट नज़र आता है, और कहीं ना कहीं वो जो ब्राइटनेस है कंपनी के शेयर प्राइस में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार स्टॉक अपर सर्किट में चल रहा है। जैसे मैंने कंपनी के काम के बारे में बताया, काम काफ़ी बढ़िया है। फंडामेंटल कैसा है कंपनी का? फंडामेंटल ठीक ठाक है, तकरीबन 45 करोड़ के आसपास कंपनी का भी वैल्यूएशन है, जो छोटी कंपनी है। अब ग्रो कर रही है तो बड़ी हो जाएगी, जैसे जैसे शेयर का दाम बढ़ेगा तो उसके हिसाब से, शेयर के दाम के बढ़ने के हिसाब से जो कंपनी का मार्केट कैप है यह भी बढ़ेगा, और जब कंपनी 100 करोड़ के वैल्यूएशन वाली कंपनी बन जाएगी तब ये एकदम सेफ जोन में आ जाएगी। हालांकि तब तक आपको वेट नहीं करना है, सही लेवल देख के यदि आपने अभी तक बाई नहीं किया तो जरूर बाई कर लीजिएगा, मैं आगे आपको लेवल जरूर बताऊंगा। यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी अभी माइनस में है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि कंपनी ग्रो कर रही है तो फ्यूचर में ये प्लस में आ जाएगा। और चूंकि पेनी स्टॉक है तो पेनी स्टॉक का रिटर्न ऑन इक्विटी सामान्यतः माइनस में होता है, तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। मेन चीज़ यहाँ पे है, एक साल के चार्ट पर जब आप इस स्टॉक को देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा स्टॉक में एक अच्छा खासा आप ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को आपको मिला है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि पहले से स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में था, और हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा होता है और उस रेंज से जब बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाता है। अब ये जो लोग बात जानते थे वो तो ब्रेकआउट पैसा कमा सकते थे, यहाँ पर भी कमाया, यहाँ पर डब्ल्यू टाइप का फॉर्मेशन भी हुआ है तो प्राइस के ऊपर जाना ही था। अब क्या करना है, मान लीजिए कोई व्यक्ति ने ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लिया और किसी व्यक्ति के पहले से भी इस कंपनी के शेयर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, इस प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने के लिए वेट करेगा, क्योंकि एकदम प्राइस जब खूब तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा हो तो चढ़ते हुए रेलगाड़ी में चढ़ने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। थोड़ा करेक्शन के नज़र कीजिए, प्राइस को नीचे आने दीजिए, नीचे आके जब उठने लगेगा फिर जहाँ से प्राइस उठेगा वहाँ पर आप बाई कर सकते हैं। दूसरी चीज़, मैं 5 साल के चार्ट को यहाँ पर ओपन किया हूँ, तो आप देख सकते हैं कि प्राइस अभी जो एकदम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, ये जो 150 रुपये का लेवल है, इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल रामबाण का काम करेगा। इसको ऊपर निकलने दीजिए, 150 रुपये के ऊपर जैसे प्राइस निकलेगा, 1 रुपया, 60 पैसा, 65 पैसा, 70 पैसा जाएगा, वहाँ पे आप एंट्री ले सकते हैं जो लोग अभी बाई करना चाहते हैं, जो बाई नहीं किए। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए बाई करने का अगर आपको विजन हो तभी आप इसमें एंट्री लीजिएगा, क्योंकि ये सब जो कंपनियां हैं लॉन्ग टर्म के लिए है। तो 150 रुपये के आसपास से ऊपर जैसे प्राइस निकलेगा आप इसमें बाई कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है 150 रुपये तक जाने के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे समय बिताए, और समय बिता कर तब ऊपर निकले तो भी आपको घबराना नहीं है, आपको बस वेट करना है कि प्राइस 150 रुपये के ऊपर निकले। ऊपर निकलेगा तो इजिली आपको ये जो लेवल देख रहे हैं हाई है 3.5 रुपये से ऊपर, 3.5 रुपये, 4 रुपये के बीच में, यहाँ तक तो आ ही जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ पे आके समय बिताने के बाद इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है यहाँ पर समय बिता के और ऊपर निकलेगा, तो तकरीबन इसके डबल, यानी कि ये मान लीजिए 4 रुपये, तो 8 से 10 रुपये तक इसका प्राइस आपको जाते हुए दिखेगा। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर कैसे आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी के नंबर्स भी काफ़ी शानदार आ रहे हैं। कंपनी का जो जून क्वार्टर में रिजल्ट आया है, इस साल के पहला जो क्वार्टर रिजल्ट है, उसमें ज़बरदस्त सेल्स हुआ है कंपनी को, तकरीबन 50 लाख के आसपास सेल्स हुआ है। और सेल्स होने के साथ साथ कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, हालांकि कंपनी प्रॉफिट में तो थी नहीं, लॉस में थी, लेकिन लॉस कम हुआ है, लगभग बहुत ज़्यादा लॉस कम कंपनी ने किया है। हालांकि कंपनी के पास जब आप बैलेंस शीट में देखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि रिजर्व पैसा है कंपनी के पास, यानी कि कंपनी के पास यदि कुछ बुरा वक्त आता है तो कंपनी इसको सस्टेन कर सकती है। प्लस यदि डेब्ट की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 181 करोड़ के आसपास कंपनी के पास कर्जा भी है, लेकिन ये कर्जा इस कंपनी के जो फ्री कैश फ्लो है, जो रिजर्व है, उससे कम है, तो तब भी कंपनी के पास ठीक ठाक पैसा है, कंपनी अपने बिजनेस को कुछ दिनों तक रन करा सकती है। इसमें इन्वेस्टर्स यानी कि जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनकी हिस्सेदारी भी ठीक ठाक मात्रा में है, तो ऐसे पेनी स्टॉक में जिसमें प्रमोटर्स ठीक ठाक मात्रा में हो उसमें आपका इन्वेस्टमेंट बनता है। और चूंकि जैसे मैंने बताया कि ये
सोने चांदी और डायमंड से जुड़ा हुआ बिजनेस करने वाला कंपनी है, तो इसमें एफआई और डीआई की हिस्सेदारी तो बनती ही है तकरीबन 2.18% के आसपास, जो हमारे देश के इंस्टीट्यूशन होते हैं उनकी भी हिस्सेदारी और बाकी पब्लिक की तो हिस्सेदारी इस स्टॉक में है। ओवरऑल बात यह है कि गोयनका डायमंड देखिए ज्वेलरी के बिजनेस में आप जब इंटरेस्ट रखते हैं उसको समझते हैं तो ये एक जाना पहचाना नाम आप निकल कर सामने आता है। तो जो जानी पहचानी नाम वाली कंपनियां हैं और प्लस जिनका काम धाम बिजनेस मॉडल बिजनेस फंडामेंटल टेक्निकल सब चीज़ ठीक है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना बनता है। लेवल मैंने बता दिए हैं उसका ध्यान रखिएगा, वहाँ बाई कर सकते हैं। बहरहाल आपका वक्त देने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।